नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। जब हम बुनाई करते हैं तो हमारे पास थोड़े थोड़े करके ऊन बच जाते हैं और उन्हीं बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये बेबी स्वेटर बना रही हूँ। 5 से 6 साल के बेबी के लिए हाफ स्वेटर। इसके बॉर्डर पे मैंने 80 डिजाइनर फंदे डाले हैं और 17 लाइन का बॉर्डर बनाया है। सिंगल रिब में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने 17 लाइन कंप्लीट किया है, जिससे ये 2 इंच का बॉर्डर तैयार हुआ है। 18वीं लाइन में रॉन्ग साइड से मैंने इसमें 11 फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन में दो रंगों के बीच में मैंने जो ये डिज़ाइन डाला है, इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैंने 11 फंदे बढ़ाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम दो कलर के बीच का जो ये कनेक्टिंग डिज़ाइन है उसे हम सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाले हैं और 3 फंदा एक्स्ट्रा, तो हो गए 15 फंदे। 12 और 3 15, 15 फंदे डाले हैं। 2 लाइन का इसे मैंने बॉर्डर बना लिया है और अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बनेंगे। 1 हो गया, 2 और 3, 3 फंदा सीधा बुनने के बाद चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो इन 3 फंदों को जिसे हमने सामने से सीधा बुना था, रॉन्ग साइड से भी हम इन्हें सीधा ही बुन लेंगे। तो 3 फंदा सीधा, ऊन को अपनी ओर करेंगे और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए 3 फंदे इन्हें हम वापस सीधा ही बुन लेंगे। तो 3 फंदे सीधा बुना, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और अब हम अपने पहले कलर के ऊन से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 2 फंदा छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना 4 फंदे का पैटर्न शुरू करेंगे। 3 फंदा सीधा हुआ, चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने 3 फंदा सीधा बुना था, तो अब की बीच वाला फंदा यानी दूसरा फंदा, उसे हम दूसरे कलर के ऊन से बुनते समय उसे हम स्लिप करेंगे। और देखिए, ये जो हमने 1 फंदा स्लिप किया था, तो ये फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदों को सीधा बुना। अब देखिए, 3 फंदों में से ये बीच का फंदा है, तो इसे हमें स्लिप करना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो 1 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहला फंदा, बुने हुए फंदे, उसे हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे।
बुन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन से बुनेंगे। तो एक बार हम एक कलर के ऊन से बुनने के बाद अगले सीधी लाइन में हम दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कलर के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बना रहे हैं। तो पांचवी लाइन में हम अपना पहला लाइन दोहराएंगे, यानी तीन फंदा सीधा, चौथे फंदे को स्लिप करना है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तीन फंदा सीधा, अब देखिए चौथा फंदा जिसे हमें स्लिप करना है इन बुने हुए फंदों के बीच का फंदा है, और तीन फंदा जो बुनना है वो स्लिप किया हुआ फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है। चौथा फंदा स्लिप करना है, लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिसे हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। और अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है। तो छठा लाइन दूसरी लाइन की तरह बुना जाएगा, यानी तीन फंदे बुने हुए, तीन फंदे सीधे, उन अपनी ओर स्लिप करना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए तीन फंदे सीधे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए तीन फंदे सीधे। जिस फंदों को हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था उसे रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनना है, और जिन फंदों को हमने स्लिप किया था उन्हें स्लिप कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इन्हीं छह लाइन का डिज़ाइन है जिसे हमें दो कलर के ऊन के बीच में बुनना है। तो देखिए फ्रेंड, छह लाइन का डिज़ाइन तैयार हो गया। तो इस छह लाइन के डिज़ाइन बनाने के बाद अब अपने दूसरे कलर के ऊन से हम 10 लाइन बुनेंगे, और 10 लाइन बुनने के बाद फिर हमें अपना छह लाइन का ये डिज़ाइन बनाना होगा। तो हर 10 लाइन बुनने के बाद छह लाइन का डिज़ाइन, फिर 10 लाइन बुनने के बाद छह लाइन का डिज़ाइन, इस तरह बुनते हुए हम 10 इंच कंप्लीट करेंगे। 10 इंच कंप्लीट करने के बाद हम मुड्ढा घटाएंगे, 3-2-1 करके मुड्ढे घटाए हैं, यानी 6 फंदा इस साइड से घटा और 6 फंदा दूसरी साइड से घटा, तो 12 फंदे घट गए। 91 में से 12 फंदे निकल गए तो बचे 79 फंदे, 79 स्टिचेस। और मुड्ढे की मैंने देखिए 6 इंच की बुनाई की है। 6 इंच बुनने के बाद अब हम इसका बैक नेक घटाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25। तो मैंने शोल्डर पे 25 फंदे रखे हैं। अब हम दो फंदों को बुनेंगे, एक और दो, और पीछे वाले फंदे को उठा के इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। तो ये हमारा एक फंदा घट गया। इस तरह करके हम 29 फंदे घटाएंगे। दोनों शोल्डर पे हम 25-25 फंदे रखेंगे और नेक पे हम 29 स्टिचेस हम घटा देंगे, 29 फंदे। गले पे हम 29 फंदे घटा देंगे और दोनों शोल्डर पे हम 25-25 फंदे रखेंगे। घटाने का तरीका वही है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले को उठाएंगे, आगे वाले पे उतार देंगे। तो मैंने 29 फंदे घटा लिए। अब इधर की तरफ 24 फंदे हैं और एक फंदा ये हमारा फंदा, तो इसे हम इसी में काउंट करेंगे और ये हो जाएंगे 25 फंदे। तो दोनों कंधों पे हम 25-25 फंदे रखेंगे। सबको बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम यहीं से लौट जाते हैं और फिर हम इस साइड के फंदों को दो लाइन और कंप्लीट कर लेंगे।
दो लाइन और बुन लेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तरफ का पोर्शन तैयार हो गया है, अब हम दूसरी साइड में भी ऊन लगा देंगे। और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसे हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो घटाने के बाद से ये दूसरी लाइन कंप्लीट होने जा रही है। तो मैंने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें दो लाइन और बुनना है, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी मैंने चार लाइन कंप्लीट हो गया कर लिया है और ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। ये हमारा शोल्डर, ये बैक नेक, और इस तरह हमारा ये स्वेटर बनके बेबी स्वेटर का बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।